हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार, उनके लिए सबसे पहले तो ये बहुत तगड़ाई दिया, शुरू में एकदम तगड़ा दिया। सबसे पहले तो हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा, सलाम बा। और आज हम लोग फाइनली दुल्हनिया को ढूंढते ढूंढते दुल्हनिया मिल गई, मणि भट्टाचार्य जी। इनको बंगाल से हम लोग खोज के लेकर आए हैं, बंगाली रसगुल्ला हमारे भोजपुरी लिट्टी चोखा के साथ। तो जो तीखा और मीठे का जो मिश्रण है ये ही इस सिनेमा में दिखने को मिलेगा। दरअसल आज एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत ही कमाल की फिल्म चिंटू की दुल्हनिया का शुभ मुहूर्त हुआ है आज, शुभ दिन के साथ। और गणेश जी का ये दिन है आज, गणेश जी के मंगल दिन के साथ आज हमने इस फिल्म का मुहूर्त किया है चिंटू की दुल्हनिया का, जिसमें मैं और हमारी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आप सबकी फेवरेट मणि भट्टाचार्य जी एक साथ नज़र आने वाले हैं। और काफ़ी रोमांचक कहानी है, काफ़ी कमाल का स्क्रिप्ट है जिसे सजाया है हमारे दीपक तिवारी जी ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिनके हाथ में ये निर्देशन का कमान जाने वाला है। और इसके फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं हमारे अशोक गुप्ता जी, जो बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ इस फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं, इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। ये हम सबसे ज़्यादा, बल्कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा यही एक्साइटेड हैं और सबसे ज़्यादा इनकी अपनी इच्छा थी कि इस कहानी का, इस सिनेमा का निर्माण हो। और इसी शुभ कार्य के साथ आज हमने ये प्रारंभ, आगाज किया है। चिंटू, हमेशा अक्सर दुल्हनिया जो होती है वो किसकी पसंद की होती है? तो ये जो दुल्हनिया है आपके पास में बैठी, ये आपने पसंद किया है? हाँ, ये मैंने ही पसंद किया है। दुल्हनिया मैंने ही पसंद किया है। यही सुनना चाह रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी टीम ने पसंद किया है। और टीम ने ये जोड़ा, जो हम अक्सर कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ा बनाता है, लेकिन हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में हमारी टीम जोड़ा बनाता है। तो हमारी जो टीम है, जैसा कि अशोक जी और हमारे दीपक जी, आप दीपक जी को प्लीज़ चाहूँ, और इन्होंने सब ने डिसाइड करके हम लोगों ने कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, जिस हिसाब से किस हीरोइन को रखा जाए आपके साथ, तो फिर हम फाइनली निष्कर्ष पर पहुँच कर हमने मनी जी से बात किया, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, और फिर उन्होंने फाइनल किया। और हमने एक फिल्म की थी जीना तेरी गली में 2, उसके बाद अब ये फिल्म हम कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्द आने वाली है, उसका ट्रेलर बहुत जल्द आने वाला है, काफ़ी खूबसूरत लव स्टोरी के साथ, बहुत ही बेहतरीन। इनका बहुत कमाल का काम है उसमें, मैं तो कमाल का करता ही हूँ, लेकिन इनका बहुत, इन्होंने कमाल का देखने को मिलेगा फर्स्ट, हाँ, मतलब बहुत खूबसूरत केमिस्ट्री देखने को मिलेगा उसमें हम दोनों का। और वो जो नोक झोंक है पूरी फिल्म में, वो अब तक किसी, हर भोजपुरी सिनेमा में कुछ ना कुछ एक हीरो हीरोइन का नोक झोंक रहता ही है, लेकिन उसमें पूरी तरह एक अलग, पूरा वॉयलेंट नोक झोंक है एक्चुअली। तो वो वॉयलेंट प्यार, वॉयलेंट रोमांस आपको बहुत जल्द, उसका ट्रेलर आप सबको नजर आएगा। मणि, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर, कितनी एक्साइटेड? एक्साइटेड तो बहुत हूँ, इसलिए तो बंगाल से मुंबई कोलकाता से आई हूँ। मतलब मेरा जो एक हेक्टिक शेड्यूल जा रहा है, मैं उधर भी जी में एक बहुत, मतलब एक लीड कैरेक्टर कर रही हूँ, एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल इन बंगाल। तो वो आज कैंसिल करके, जब भी मुझे दीपक जी एंड अशोक जी मुझे बोले हैं, तो तभी मैंने ब्लॉक करके रखा था कि मैं आज आऊँगी, तो सीधा कोलकाता से आ गई हूँ मेरे दुल्हा के पास। और सबको मिल, मतलब सभी को अभी से इनवाइट करके, मतलब एंगेजमेंट सेरेमनी, मुहूर्त, तो उसके बाद अब शुरू होगा। बोल तो दिया, कल हेडलाइन क्या छपेगा आपको नहीं पता है। मूवी के नाम चिंटू की दुल्हनिया, तो ऑब्वियसली तो ऐसे तो होगा ही ना। हाँ, ऐसा ही होगा, और ऐसा ही होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इतना रोज इतना मसाला आ रहा है, तो इस मूवी को लेके क्यों ना मसाला हो। एंगेजमेंट से पहले आप चिंटू से मिली थी? हाँ हाँ, हमने समय गुजारा, एक मूवी बहुत पहले करने वाले थे, एक गाना करके, और हमने 40 दिन साथ में गुजारा है इसी पल के लिए। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बस दीपक जी और होल टीम और अशोक जी मिलके कब शुरू करें हम लोग। संगीता तिवारी जी के भाई दीपक तिवारी जी, क्या शुभकामनाएं देंगे आप? अब जैसा कि नाम है संगीता तिवारी जी का, तो संगीता तिवारी जी हमारे इंडस्ट्री की लेजेंडरी एक्ट्रेसेस में से एक हैं, बहुत सीनियर हैं। और सीनियर इन द सेंस, उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत सीनियर हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं उनसे और बहुत कुछ सीखे भी हैं। और उनके ब्रदर जो दीपक तिवारी जी हैं, वो सिर्फ उनके नाम के मोहताज नहीं हैं। दीपक जी ने अपनी उनकी ही अपनी एक जो टैलेंट है जो उनका डायरेक्शन का जो उन्होंने वो आप सबके बीच उन्होंने धुरंधर फिल्म में कही थी, मेगा स्टार रवि किशन जी की फिल्म थी जिसने बहुत अच्छी कलेक्शंस के साथ आप सबको बहुत पसंद आई थी वो फिल्म। तो वो फिल्म का निर्देशन उन्होंने किया था और तब से मैं फ़ैन हूँ और उन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी। तो ये फिर हम सभी का ये सौभाग्य है पूरी टीम का कि सब ये खूबसूरत टीम जुड़ पाई है और एक खूबसूरत फिल्म का निर्माण होने जा रहा है। अच्छा लगता है जब आपके पास टीम अच्छा होता है क्योंकि कोई अकेला पहाड़ नहीं तोड़ सकता, कोई अकेला कोई भार नहीं संभाल सकता है। सिर्फ बोलने की बात है कि मैंने किया है। मैं हर शब्द सिनेमा में या किसी भी तरह कोई भी बिजनेस में या किसी परिवार में भी अगर अकेला कोई मैं बोलेगा तो परिवार बन ही नहीं सकता है। तो परिवार के लिए ये जैसा कि अगर अच्छा परिवार होता है, अच्छी चीज़ें होती है, वैसे एक सिनेमा के अच्छे के लिए, सिनेमा के बेहतरी के लिए बहुत अच्छी टीम की ज़रूरत है। तो कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है। तो जब आपके पास अच्छे टेक्नीशियंस होते हैं, अच्छे टीम होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और साथ साथ अच्छे प्रोड्यूसर होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो एक खूबसूरत और अच्छी और बेहतर सिनेमा का निर्माण होता है। और उसी प्रयास में हम सभी लोग हमने इस फिल्म का शुभारंभ किया है, चिंटू की दुल्हनिया, जो कि एकदम अलग हटके और बाकी एकदम रोमांचित कहानी है। ऐसे इस प्रकार का कहानी अब तक ऐसा कैरेक्टर नहीं किया हूँ, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये किरदार निभाने के लिए। मैं भी निर्माता अशोक गुप्ता की। अशोक जी हमारे इंडस्ट्री के आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने से टेक्नीशियन रहे हैं। उनके अपने इक्विपमेंट्स हैं काफ़ी, सिर्फ भोजपुरी में नहीं बल्कि हिंदी और भी बाकी सब जगह जाता है। तो इन्होंने इनका सोच था हमेशा कि जब भी मैं नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप बताइए लोगों को। मेरी इच्छा बहुत दिनों से थी कि मैं फिल्म बनाऊँ और जी और कुछ इच्छा नहीं थी ना। नहीं, पहले तो इच्छा यही थी कि पहले फिल्म बनाऊं और सबसे पहले जब मैंने कार्ड बनाया तो पहले चिंटू की दुल्हनिया ही टाइटल रजिस्टर करा। वाह, मैं ये सोचा था कि ये फिल्म का टाइटल और मैं चिंटू जी के पास जाऊंगा और उनके फादर जी के राजकुमार जी के पास जाऊंगा, हमें मतलब नाराज नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे और ज़रूर बोलेंगे हाँ फिल्म बनाओ, मैं सपोर्ट करूँगा। और मैंने गया और वैसा उन्होंने किया, बोले अशोक आप फिल्म बनाओ, मैं सपोर्ट पूरा करूंगा। और चिंटू जी का भी बहुत सपोर्ट है मेरे, उन्होंने भी मना नहीं किया। क्योंकि मेरा इमोशन टेक्नीशियन, स्पेशली टेक्नीशियन फैमिली से हूँ, तो मेरा सबसे ज़्यादा इमोशन मेरे टेक्नीशियंस के लिए वैसे भी होता है। वो बोलने की भी बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि मैं टेक्नीशियन फैमिली से बिलोंग किया हूँ, मैंने वो सारा स्ट्रगल वो सारी चीज़ें देखी हैं जीवन में। तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी हमारे परिवार के, हमारे सिनेमा परिवार के, भोजपुरी बहुत खूबसूरत सा छोटा सा हमारा परिवार है और इस परिवार का कोई भी सदस्य अगर बेहतर करना चाहता है तो हम सबका ये प्रयास होता है, स्पेशली मेरा अपना यही प्रयास रहता है कि वो हमारे परिवार का वो बंदा, वो आदमी खड़ा हो और कोई बेहतर एक स्ट्रॉन्ग जगह पर खड़ा हो कि ताकि आज जो देश विदेश में भोजपुरी फैल रहा है वो और फैला हो और अच्छा हो। और अभी कुछ दिन पहले मेरी विवाह हो ही गई थी, हमारे प्रदीप जी ने मेरी विवाह करा के ही माना है, तो उन्होंने विवाह करा दिया और अब अशोक जी मेरी दुल्हनिया फिर से मेरी दुल्हनिया खोज रहे। तो आजकल तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है यार। सौतन आने वाला है, सौतन, हाँ। और एक हाईलाइट, अब ये दुल्हन के बाद अब सौतन भी आने वाली है मेरी। वो प्रदीप जी उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बहुत अभी एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, उन्होंने अपने तो से कर ही दिया है लेकिन आप सबके बीच आज ही कर देते हैं ना, सबसे अच्छा आज ही कर देते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म विवाह के बाद अब प्रदीप सिंह जी जो हमारे भोजपुरी के बहुत वन ऑफ द बिग प्रोड्यूसर, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, मल्टी स्टारर फिल्में, बहुत बड़ी बजट की फिल्में बनाई हैं उन्होंने, उसी कड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों से है, विवाह, उस फिल्म के निर्माता हैं वो। और उन्होंने अभी हम फिर से दोबारा एक बहुत ही खूबसूरत पूरी तरह पारिवारिक फिल्म सौतन का निर्माण करने जा रहे हैं। बहुत जल्द उसकी घोषणा और उसका भी मुहूर्त होगा और आप सब से बस यही आशीर्वाद चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। संगीत के बारे में क्या कहेंगे? यश कुमार का संगीत कैसा रहता है? यश कुमार जी का संगीत हमेशा, आज से नहीं बल्कि बचपन से देख रहा हूँ मैं, और बहुत सीनियर हैं, बहुत कर्णप्रिय हैं, बहुत संगीत के ज्ञानी हैं। इन्होंने संगीत से पहले ये लेखक रहे हैं, अभी भी लेखक हैं, लेकिन तब तो जब इन्होंने लेखनी से शुरुआत की है और जिसको ज्ञान होगा लेख का वो ऑटोमेटिकली संगीत में वो रचे हैं, इतने दिन से वो पले हैं, संगीत में रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो संगीत में है पूरी तरह और उनका संगीत बहुत खूबसूरत होता है। अभी जैसे इस फिल्म के जो गाने हैं बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही कर्णप्रिय हैं, एक से एक गाने हैं इस फिल्म में। तो यश कुमार जी बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं और अभी बहुत जल्द इस फिल्म का म्यूजिक आप सबके बीच आने वाला है। थैंक यू। मैं ये कहूँगा सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। चिंटू की दुल्हनिया, अच्छा टेक्निकल प्रॉब्लम। नमस्कार, मैं संगीतकार यश कुमार आप सबको प्रणाम करता हूं और जितने आए हैं सबको प्रणाम करता हूं और सारे बारातियों को और हमारे दीपक जी को धन्यवाद देता हूं। मुन्ना भैया हैं, चिंटू जी हैं, अशोक जी हैं, सबको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया म्यूजिक के लिए, तो काफ़ी दिल से धन्यवाद। और टाइटल है चिंटू की दुल्हनिया, तो मैं कोशिश करूंगा इनको दुल्हन आने में मदद करूं और आप सब भी बाराती आइएगा। इन्होंने धुरंधर पिक्चर बनाई थी रवि जी के साथ। रवि जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी पहले सयाह अमार मैं ही रिलीज़ किया था भोजपुरी। मैं पहले हिंदी करता था, फर्स्ट पिक्चर मैंने रिलीज़ की थी। उसके बाद तो पंडित जी सब किया, 150-200 पिक्चर भोजपुरी भी हिंदी भी। और मुझे लगता है पिक्चर बहुत अच्छी, क्योंकि टाइटल बहुत अच्छा है और चिंटू तो स्टार है ही है, बेटा भी है, साथ में भतीजा भी है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई एक टेक्नीशियन का बेटा है चले, और हमेशा हम लोग सपोर्ट में भी रहते हैं। आप विवाह लेके आ रहे हैं इस बार बनना चिंटू की दुल्हनिया, तो विवाह के बाद दुल्हनिया उसका रहेगी। हाँ, विवाह के बाद तो ऑटोमेटिक दुल्हनिया आएगी ना, विवाह होएगा तो ऑटोमेटिक आएगी दुल्हनिया। मैं दिवाली पिक्चर रिलीज है और कल मेरा सब जगह स्टैंड ये पोस्टर पहुंच जाएगा। थैंक यू सर। नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, कॉन्सेप्ट लिखते समय मेरे दिमाग में कुछ था नहीं कि मैं इसमें क्या स्टार कास्ट होंगे क्या होंगे। जैसे जैसे मेरा ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता गया तो अशोक भाई एक बार बोले कि भाई कुछ है बताइए सुनाइए, तो अशोक भाई को मैंने सुनाया। मैंने कुछ और सोचा था टाइटल, लेकिन जो जब इन्होंने बताया ये टाइटल, तो मैं टाइटल से पहले हो गया कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त टाइटल है और कहानी पे एकदम फिट हो रहा है। तो ये कहानी लेकर के फिर जब चिंटू भाई के साथ में मुझे सुनाने का मौका मिला, मैं 6 महीने से इस जब कहानी मैंने इनको सुनाया, इससे 6 महीने पहले से मैं ट्राई कर रहा था कि कभी भाई के साथ बैठूँ तो कहानी सुनाऊँ, लेकिन अशोक भाई के थ्रू मुझे मौका मिला। और फिर जब मैंने इनको सुनाया तो एक होता है ना, जब भी कोई राइटर या डायरेक्टर किसी एक्टर को कहानी सुनाता है तो रिएक्शन एक एक्साइटमेंट होता है कि जो मैंने सोचा है जो मैंने लिखा है क्या वो हजम हो रही है सामने वाले। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इन्वॉल्व होकर के एक एक क्वेश्चन किया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनका मतलब इन्होंने पूरी कहानी मुझसे सुनी और हर एक के पीछे क्वेश्चन किया, उसको क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया। मुझे बहुत अच्छा लगा इनको नरेट करते समय। मैं एक्साइटेड हूँ इनके साथ काम करने के लिए कि आगे बहुत मज़ा आएगा, हम लोगों को मस्ती के साथ हम लोग बहुत काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, चिंटू ने सवाल किया होगा ना कि मेरी दुल्हनिया कौन है, उसका जवाब क्या दिया आपने? मैंने बोला कि अभी तक मैंने तय नहीं किया है दुल्हनिया कौन होगी, क्योंकि फिर अशोक भाई के साथ में बैठे, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए अभी महंगी दुल्हन लाएँ या किस तरह की दुल्हन लाए ये तो प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं। तो हमारी फिल्मों में दुल्हन बजट पे आती है, तो मुझे इन्होंने बोला कि नहीं बजट की बात नहीं है, आप सिर्फ ये देखो कि आपके उस कैरेक्टर में कौन फिट बैठती है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई, फिर इनके भी कुछ वीडियोज़ दिखाई। इनके साथ मैं फर्स्ट टाइम आज मिला हूँ तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोला ठीक है, आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है, परफेक्ट है और फाइनल कीजिए। शूटिंग कब से स्टार्ट होगी, लोकेशन क्या क्या होंगे? नवंबर में हम लोग शूट करने वाले हैं, संजान गुजरात में है, यहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे हैं। संगीता जी, क्या आशीर्वाद देंगे अपने भाई को? सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। चिंटू की दुल्हनिया फिल्म बनने जा रही है और दीपक तिवारी जैसे कि मेरे भाई हैं, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ कि भाई है तो ऑब्वियसली तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। ऊपर से मेरे दोस्त है चिंटू, बहुत ही टैलेंटेड है, अच्छा गाते भी है और बहुत सुपरहिट फिल्में दिए हैं, तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। फिल्म के प्रोड्यूसर अशोक जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, मणि जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए और गर्व से कहे कि चिंटू की दुल्हनिया बहुत अच्छी है। थैंक यू। बहुत चटपटी कहानी है और मुझे पूरा उम्मीद है जब भी कोई भी सिनेमा आता है, जब भी कोई भी सिनेमा लेकर आता हूँ, जैसा कि अभी आप सबके प्यार से आप सबकी दुआओं से फिल्म बहुत सफल जा रही है, सबको बहुत पसंद आ रही है, कलेक्शंस भी बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत अच्छी लग रही है फिल्म। एक अलग टेक्निक की अलग मेकिंग की फिल्म रहे हैं वो। उसकी शूटिंग पूरी तरह जैसा कि मैंने पहले बताया हैदराबाद में पूरी की पूरी साउथ टीम के साथ हुई थी। उसमें बाहुबली के विलन काली के प्रभाकर हैं, उसकी हीरोइन जो है वो तेलुगू की थी, उन्होंने 7-8 फिल्में तेलुगू फिल्में की हैं। तो पूरी की पूरी टीम थी साउथ की, तो एक नया फ्लेवर एक नए मेकिंग के साथ आया था। उसी तरह उसी प्रकार अब हम लोग चिंटू की दुल्हनिया अब पूरी तरह एक नया और एक नए मेकिंग के साथ, नए स्टाइल के साथ, एक नई कहानी के साथ, क्योंकि हमेशा हम लोग बोलते हैं कि कहानी मिलती जुलती है या ऐसा है वैसा है। तो इसलिए हम जब भी, मेरा ये प्रयास ही रहता है कि जब भी कोई भी फिल्म करूँ, कोई भी सिनेमा करूँ, तो एक नई कहानी हो, नई सोच हो, और दर्शकों पर हमारे उस कहानी का क्या असर होता है, उनके परिवार पर क्या असर होता है, वो ज़्यादा हम मायने रखते हैं, वो ज़्यादा हम उस नज़रिए को लेकर ज़्यादा चलते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।